गाइस आपको बाइक और कार खरीदने की प्रोसेस तो मालूम होगी जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन क्या आपको एक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रोसेस मालूम है? अगर नहीं पता तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस एक हेलीकॉप्टर खरीदने उसको संभालने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, साथ में उसका रखरखाव और पायलट का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप एक सस्ता हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो तो आप रॉबिन्सन R22 को खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। ये दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर में 2 लोग बैठ सकते हैं और यह प्राइवेट हेलीकॉप्टर में सबसे ज़्यादा यही हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले भारत सरकार की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पर एक फॉर्म भरना होता है और मंत्रालय में जाकर आपको NOC के लिए अप्लाई करना होगा और हेलीकॉप्टर की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको DGCA यानी डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की परमिशन लेनी होगी और इस हेलीकॉप्टर एक एक्सपर्ट पायलट ही चलाएगा, इसका सबूत भी देना होगा। इसके बाद खर्चे की बात करें तो आपको हेलीकॉप्टर के मालिक को पायलट को 50 से 1.5 लाख रुपए तक महीने के देने होंगे। साथ में आपको हर बार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए चार्ज भी देना पड़ेगा। अगर बात करें एक बार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के चार्ज की तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 से 40 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं। इसी तरह हेलीकॉप्टर के मालिक को हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए भी सालाना 15 से 20 लाख रुपये खर्च करने होंगे। अगर गैस आपके पास इतना सारा पैसा फालतू पड़ा है तो आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। तो गैस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।